आसनसोल वासी जानना चाहते हैं, तो अभी जितेंद्र तिवारी क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा 2 मार्च 2021, उसके बाद से मेरी भूमिका कब कब क्या होगी ये निर्णय पार्टी लेती आई है, और आने वाले दिनों में भी मेरी क्या भूमिका होगी ये पार्टी निर्णय लेगी। अभी पार्टी के एक सैनिक के रूप में, अभी जो लोग घर छोड़े हुए हैं, जिनको केस दिया जा रहा है, जिनका नौकरी छीन लिया जा रहा है, मानसिक बल उन्हें कैसे दिया जा सके, और ऐसी घटनाओं को प्रशासन के सामने लाना, प्रशासन से अनुरोध करना कि आप इसमें हस्तक्षेप करें, ये सब काम करना, यही हम लोग कर रहे हैं। और आने वाला जो सिविक इलेक्शंस है, सिविक इलेक्शंस के बारे में भी हमारी पार्टी जरूर सोचेगी, सही समय पर सही निर्णय पार्टी लेगी, और उस समय पर ही मूल लक्ष्य होगा मेरा कि आसनसोल नगर निगम इलाके में जो 106 वार्ड हैं, इस जो पिछला विधानसभा चुनाव है उस चुनाव में हर वार्ड के रिजल्ट को यदि देखें तो आसनसोल नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी अभी दूसरे पार्टियों से आगे है, तो हम लोगों का मूल लक्ष्य होगा कि यहाँ पर हम आसनसोल नगर निगम में हमारी पार्टी का बोर्ड बने और म्यूनिसिपल जो सुविधाएँ हैं जनता को, वो हमारी पार्टी के जो लोग वहाँ पर जीत कर आएंगे वो जनता को वो सुविधाएँ प्रदान करें। आपके पूरे कॉरपोरेशन इलाके में बहुत सारे आपके लोग आपके समर्थक थे, अभी बहुत लोग आपसे मुंह मोड़ते नजर आ रहे हैं। अब देखिए, ये तो जिंदगी में ये सब चलता रहता है, और जब आप पावर में रहते हैं तो कुछ लोग पावर के कारण आपके साथ होते हैं, तो पावर आज नहीं है तो पावर के कारण जो लोग साथ में थे वो साथ छोड़े, मैं इसे बुरा भी नहीं, हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच है और हर कोई स्वतंत्र है अपना निर्णय लेने के, हर कोई स्वतंत्र है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक अपना दर्शन है, उस दर्शन में विश्वास रखते हुए, उस दर्शन से आकृष्ट होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ, और इस दर्शन को आगे लेकर ही हम लोग को काम करना है, बाकी हर लोग की अपनी च्वाइस है, जो निर्णय लेंगे उनका अपना। कुछ लोगों में खौफ है कि आप वापस से तृणमूल में आ रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसे जो लोग ऐसा खौफ रखे हुए हैं उनसे मैं कहूँगा विश्व बिल्कुल आश्वस्त रहिए, ऐसी कोई घटना नहीं घटने वाली है, और मैं क्यों जाऊँगा, जो भी तृणमूल कांग्रेस में जो लोग जाएंगे, तृणमूल कांग्रेस अभी पावर में है, तो जो लोग भी तृणमूल कांग्रेस में जाएंगे वो पावर शेयर करने के लिए जाएंगे, क्योंकि वो सत्ता से दूर नहीं रह सकते, सत्ता सुख से दूर नहीं रह सकते, वो लोग तृणमूल में वापस जाएंगे। तो मैं तो सत्ता सुख छोड़ कर आया, मुझे तो तृणमूल कांग्रेस ने हटाया नहीं, मैंने मेयर का पद छोड़ा, मैंने जिला सभापति का पद छोड़ा, ये सब कुछ छोड़कर मैं आया, तो स्वाभाविकता उस समय तो भारतीय जनता पार्टी में ये पावर नहीं था, सत्ता सुख नहीं था, तो जो सत्ता सुख ही यदि एकमात्र लालसा होती तो मैं चीज छोड़कर नहीं आता। इसलिए ऐसी बातें जो लोग सोच रहे हैं उनको ऐसी सोचने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपना काम करें, मैं अपने दूसरे पार्टी में हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। और खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए एएनएम न्यूज़, बेल आइकन दबाकर रहिए सबसे आगे।